हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजाद मलिक। दोस्तों, आज एक बार फिर एक कमाल का और धमाल का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है, क्योंकि हम गिरिडीह के निवासी हैं और आप भी गिरिडीह के हमारे व्यूवर्स हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो आपको समर्पित करने वाला हूं। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं वीडियो क्या दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि गिरिडीह के 10 हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज किया जाता है, जैसे कि उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है उस आयुष्मान कार्ड भारत से। तो सबसे पहले बता दें आप लोगों की हमारी गिरिडीह में सदर हॉस्पिटल है, जो कि आपको मालूम है कि सदर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड द्वारा प्रमाणित इसका जो इलाज ट्रीटमेंट होता है वो होता है। उसके बाद आता है नवजीवन नर्सिंग होम। नवजीवन नर्सिंग होम में भी आयुष्मान कार्ड के तहत यहाँ भी इलाज किया जाता है। उसके बाद फिर आता है गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, जो कि स्पेशलिस्ट अभी गिरिडीह में माना जा रहा है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जाता है, प्रचार में भी देखे होंगे। ये भी यहाँ पर सारे तरह के आयुष्मान कार्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद फिर आता है नूतन लाल हॉस्पिटल, जो कि बिशनपुर बोड़ो में स्थित है। वहाँ भी लेडीज़ डॉक्टर और आँखों के डॉक्टर दीपक कुमार वहाँ भी आयुष्मान कार्ड द्वारा लेंसेस और महिलाओं का इलाज किया जाता है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। उसके बाद फिर आता है सहयोग हॉस्पिटल, बस जस्ट बोड़ो में ही सहयोग हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड के तहत वहाँ भी इलाज किया जाता है, जो कि 5 लाख तक का फ्री है दोस्तों। उसके बाद फिर आता है जीडी बगड़िया हॉस्पिटल, यहाँ पे भी आपको अगर आप वहाँ भर्ती होते हैं या ट्रीटमेंट कराते किसी तरह ऑपरेशन कराते हैं, तो वहाँ भी आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा दिया जाता है और यहाँ भी आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज किया जाता है। फिर आता है आपका डोकानिया नर्सिंग होम, जो कि आपका बरमसिया में स्थित है, और यहाँ भी आयुष्मान कार्ड के तहत इसका इलाज किया जाता है। उसके बाद फिर आता है साई हॉस्पिटल, जो कि मोहनपुर पचम्बा रोड में स्थित है, वहाँ भी आयुष्मान कार्ड के तहत इसका इलाज किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों आज़ाद नर्सिंग होम, आज़ाद नर्सिंग होम जो कि भंडारीडीह में स्थित है, यहाँ भी आयुष्मान कार्ड के तहत हर्निया अपेंडिक्स हार्डनिक कोई भी ऑपरेशन तरह का होता है, तो ये भी आयुष्मान कार्ड के द्वारा यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर ये बोड़ो में स्थित जीवनधारा हॉस्पिटल, जो कि यहाँ भी आयुष्मान कार्ड द्वारा यहाँ भी फ्री में इलाज किया जाता है, उनके तहत लोगों को फ़ायदा भी होता है और रोगियों को पैसे के कम खर्च में यहाँ पे इलाज भी किया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दिया गया आप लोगों को खूब खूब पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो आशा करते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।